हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए और आप इफ एल्स एलिफ के बारे में इस तरह समझ जाएंगे कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को डीपली समझाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं कि पाइथन में इफ इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ये तीनों तीन प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। ये जो तीनों हैं, ये तीन प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। इन कंट्रोल स्टेटमेंट से जब तक दिया हुआ एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता, तब तक ये अपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते। मैं ये बात फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो तीनों कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट जब तक दिया हुआ एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता, तब तक ये अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते। ओके, अगर मैं सिर्फ इफ स्टेटमेंट की बात करूं, तो इफ स्टेटमेंट में जब ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है, तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है, तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और अगर एक्सप्रेशन फॉल हुआ तो अगर ये एक्सप्रेशन फॉल हुआ तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। इक्वल मैंने 2 दिया या 3 दे दिया, बी इक्वल 5 दे दिया, और इफ मैंने एक एक्सप्रेशन दिया ए लेस देन बी, और प्रिंट करा दिया ए इज लेस देन बी, और हम इसे रन कराते हैं। वहां पर ये लिखकर आ गया ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। क्यों? क्योंकि उसने जो पहला स्टेटमेंट, उसको जो एक्सप्रेशन दिया उसने, वो एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, और ट्रू होने की वजह से उसने इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और आपके सामने आंसर प्रिंट किया कि ए इज लेस देन बी। अदरवाइज हम यहाँ पर 7 कर दें और रन कराएं तो आपके सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों? मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आप लोगों को इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट में जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है, तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। यहां पर जब इफ एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो उसने इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। अदरवाइज इफ स्टेटमेंट फॉल्स होता है, अगर इफ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन फॉल हुआ तो वो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट को फॉलो करेगा, और एल्स पार्ट ट्रू होते ही वो एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इक्वल मैंने 2 दिया, बी की वैल्यू भी 2 दी, और इफ कंडीशन लगाया मैंने, एक एक्सप्रेशन दिया ए लेस देन बी, और जैसा कि मैं यही प्रिंट कर दूं, इज ग्रेटर देन इक्वल
और हम इसे रन कराएं तो हमारे पास आ रहा है आंसर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू दी, ए की वैल्यू 2 दी, बी की वैल्यू 2, दोनों इक्वल हैं, तो उसने पहले एक्सप्रेशन को फॉलो किया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की वजह से इफ स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, वो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। क्यों? एल्स के पार्ट को उसने फॉलो किया, यहाँ का एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो उसने एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट किया, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। या तो उसका छोटा हो सकता है या तो उसके बराबर, तो यहाँ पर बराबर है तो हम इस आंसर को हटा भी दें तो हमारा ये आंसर आएगा ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी के बराबर है। तो आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इफ एल्स, ठीक है, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो हम इसे कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये हमारा बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में प्रॉब्लम करेंगे ये दोनों। अदरवाइज इस एग्जाम्पल में मैं और भी कुछ बताना चाहूंगा। नहीं, यहाँ के लिए तो ठीक है। अगर मैं वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर 6 कर दिया, तो क्या करेगा वो? उसने बोला ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ तो ये फॉलो नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हम इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब कभी ऐसा कोई कंडीशन हमें देना होता है तब। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। इस स्टेटमेंट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इफ स्टेटमेंट में जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और अगर फॉल्स हुआ तो वो एलिफ पार्ट को, ये जो हमारा एलिफ है यहाँ पर देखिए एलिफ पार्ट दिया हुआ है, एलिफ पार्ट को फॉलो करेगा और उसके एक्सप्रेशन को देखेगा। अगर उसका एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो वो एलिफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर यहाँ भी फॉल्स होता है तो वो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, कमेंट कर देता हूँ इसको, यहाँ पर मैंने 6 दिया था आपको, यहाँ मैंने 6 लिखा था तो आपको समझ में आ गया था वहाँ पर कि प्रॉब्लम आ रही है, उसने एग्जीक्यूट नहीं किया और उसने फिर से हमें इक्वल टू बी दे दिया। क्योंकि यहाँ पर तो इफ एल्स दो ही कंडीशन दी गई थी, या तो वो बराबर हो या तो उससे छोटा हो। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कई एक ज़्यादा, इफ के अंदर इफ, एलिफ, एलिफ के अंदर एलिफ, एलिफ के अंदर एलिफ, मतलब और भी बहुत ज़्यादा आप लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप घर पर ट्राई करते रहो, क्योंकि मेरी एक वीडियो देखने से आपको हमेशा नहीं आ, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो एलिफ को फॉलो करेगा, एलिफ का अगर फॉल्स हुआ तो वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पर कर देते हैं कि आपको देखने में आसानी हो। तो मैंने यहां पर ए की वैल्यू 5 दे दी, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है। ओके, डन। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू मैंने 5 दे दी, इक्वल दी दोनों की। और अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इफ स्टेटमेंट मैंने लगाया, इसी को मैं इस वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल बी।
यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 5 दे दी मैंने। और इफ ए लेस देन बी, अगर ए जो है बी से छोटा हुआ तो ए इज लेस देन बी बोल दें, मतलब वो ट्रू होते ही हमें ये आंसर प्रिंट करे। अदरवाइज मैं यहाँ पर इलिफ का भी यूज करूँगा ना, एलिफ में मैं एक एक्सप्रेशन दूंगा ए ग्रेटर देन बी, अगर ग्रेटर देन बी बोलता है तो प्रिंट कर दें। ए इज ग्रेटर, ए टी ई आर ग्रेटर देन बी। तो अब मैंने यहां पर इस सिंटेक्स को फॉलो किया है, यहां पर इफ एक्सप्रेशन दिया मैंने ए लेस देन बी, और अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेगा वो इस चीज को प्रिंट कर देगा, इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा। अदरवाइज यहां फॉल्स होता है तो एलिफ को फॉलो करेगा, यहां इस एक्सप्रेशन को समझेगा, अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा एलिफ स्टेटमेंट को, यहां पर ये प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर देन बी। अदरवाइज अगर यहां पर भी फॉल्स होता है, एलिफ भी फॉल्स हो गया तो वो एल्स को फॉलो करेगा और एल्स स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए रन करा के देख लेते हैं। यहां पर ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, तो यहां पर उसने क्या किया, इन सब दोनों को ही फॉल्स करके इसको ट्रू कर एग्जीक्यूट किया। अदरवाइज अगर हम यहां पर 10 कर दें तो उसने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है हमारा वो बी से बड़ा है, तो उसने क्या किया, इसको फॉल्व किया, एलिफ को फॉलो किया और एलिफ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके प्रिंट कराया ए इज ग्रेटर देन बी। इसी तरह हम अगर यहां पर 15 कर दें तो हमारा पहला ही प्रोग्राम उसी की तरह आ जाएगा, ए इज लेस देन बी, यानी कि ए जो है हमारा वो बी से बड़ा है, इसने पहले एक्सप्रेशन को ही ट्रू किया और इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और प्रिंट किया ए इज लेस देन बी। तो आपको मेरी इस वीडियो से इफ एल्स के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप अब बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर या कोई प्रोजेक्ट बनाने में आपको ये इफ एल्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।